Now question 10 from exercise 9.1. Question is, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. इसमें दो चीजें निकल पहले ध्यान से समझिए, ये रोड है, बीडी एक रोड है, रोड के दोनों किनारों पर दो पोल्स लगे हैं, उनकी इक्वल हाइट के, ठीक है। अब इस रोड के बीच में, बीचों बीच में नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं, बीच में कहीं पर कोई एक पॉइंट है, ई मान लेते हैं, एक साइड में हम डिस्टेंस छोटी रख दी, एक साइड में बड़ी रख दी, तो ये दोनों पोल्स एंगल बना रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कम होगी वो एंगल बड़ा होगा, तो दो एंगल दिए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायग्राम में समझ में तो क्लियर होना चाहिए, भाई जो नजदीक होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा। अच्छा, इस रोड की डिस्टेंस दी गई, इस विड्थ दी गई है 80 मीटर, ओके 80 मीटर। अब इसमें अगर एक 80 मीटर दिया है, तो हम इसमें से एक बी से ई, तो बी से ई तक को हम एक्स मीटर मान लें, एक्स मीटर इसको अज्यूम कर लें, तो जो ईडी कितना हो जाएगा रिमेनिंग 80 माइनस एक्स हो जाएगा, वेरी गुड। और इसकी हाइट को एच अज्यूम कर लें, तो ये भी एच मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, ओके। अब आपको दो राइट ट्रेंगल आराम से दिख रहे हैं, राइट ट्रेंगल यहां बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे, पहले हम कौन सा ट्रायंगल इसी में लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई क्या लगाएंगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है एक्स, हमने डायरेक्ट लिख दिया। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री एच अपॉन एक्स, दिस इंप्लाइज एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स रूट थ्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो, बॉक्स में बना, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है ना, दूसरे ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है, सी डी ई, सी डी टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर हो जाएगा एच परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 80 माइनस एक्स, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा एच रूट थ्री इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और एच की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है, यहां पे पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स रूट थ्री और ए वाला भी रूट थ्री रहेगा इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, या x को इधर भी ले लेते हैं, प्लस x इक्वल टू 80, इट मींस आपको मिलेगा 4x इक्वल टू 80, इट मींस x इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 मिल गई, x की वैल्यू 20 मिल गई, तो हमको h मिल जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सो h इक्वल टू 20√3, तो आपको x मिल गया और h मिल गया। अब आपको दो चीजें निकालनी थी, पहले तो हाइट ऑफ द पोल निकालना था, लिखिए, सो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 20 रूट
है और कह रहा था कि पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम टू पोल्स बताइए, तो एक तो x की वैल्यू मिल जाएगी कितना 20 और दूसरी मिल जाएगी 80 - 20 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। हाँ जी, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट जहां से देख रहे थे फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स दो पोल हैं आर कितना होगा 20 मीटर एंड कितना 60 मीटर। ओके, 20 मीटर एंड 60 मीटर ये आपका हो जाएगा आंसर। एक तो आपको मिल गया हाइट ऑफ द पोल और दूसरा मिल गया डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। समझ में बात आ गई? वेरी गुड।